हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 02 ऑफ व्हाट लाइन एंड प्लेन। तो बच्चा हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 01 कवर कर दिया है और वो वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच बच्चा। अच्छा क्या सीखा था वहाँ पर? हाँ ग्रेट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का डिटेल प्रूफ भी देख लिया, जो एग्जाम में नहीं पूछते हम लोग उसको भी देखें। यस यस यस, 1 2 3 4, इसी चार इक्वेशन के बारे में बात हो रहा है। लास्ट लेक्चर का लास्ट वाला पार्ट यही था, हमने इसको नाम दिया था कंक्लूजन ऑफ लेक्चर, मतलब जो भी 50 मिनट का वीडियो बना था उसमें से ये जो चार है ना यही सीखा था और कुछ नहीं। टीचर लोग अक्सर बोलते इसको याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। साला हम जो है फ्रेंड्स एकेडमी उसको बोले प्रूफ करके दिखा, प्रूफ किया। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने लेक्चर नंबर 01 नहीं देखा तो पहले जाके लेक्चर नंबर 01 देखो, अदरवाइज ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है तो प्लीज स्किप कर सकते आप लोग। टाइम इज मनी, टाइम बचाओ पैसा बचेगा। चलो यहाँ पर तो हमने सीखा एक 3D लाइन मतलब स्पेस में अगर लाइन है उसका इक्वेशन बनाने के लिए, उस लाइन का इक्वेशन के लिए हमें दो चीज की जरूरत है। क्या नाम था? पॉइंट और प्यार। हाँ प्यार, हाँ हाँ याद करो, अरे लास्ट वाला लेक्चर ही है। पॉइंट और प्यार दो। पॉइंट मतलब क्या हो रहा है? पॉइंट मतलब अगर समझो ये 3D लाइन है, अभी मैं तो बना नहीं सकता, समझ लो ये जो दिख रहा है ये मार्कर रेड वाला, समझो ऐसा लटका हुआ है, ऐसा लटका हुआ है, तो क्या रहेगा? इस पर एक पॉइंट रहेगा। और प्यार, प्यार मतलब क्या होगा? इसका या तो डायरेक्शन रेशियो या तो इससे कोई एक पैरेलल वेक्टर, अभी सम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैंने न्यूमेरिकल्स कवर कर दिया है बट स्टिल थोड़ा चीज विजुअलाइज करोगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ना तुम लोग विजुअलाइज करेंगे, अच्छा मैं यही चीज फाइंड आउट कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है सर। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन है, इस पर एक पॉइंट रहेगा, नाम क्या दे देंगे? ए। इसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है? अगर कोऑर्डिनेट है इसका समझो 3D है ना, 2, 3, 4, तो ए बार मतलब क्या होगा? 2i + 3j + 4k। याद आ रहा बच्चा? यस सर। पोजीशन वेक्टर मतलब आई जे के चिपकाना। अच्छा ये मत बोलना कि ए बार मतलब इस लाइन का पोजीशन वेक्टर, नहीं नहीं, ए मतलब ए बार मतलब कहीं ओरिजिन रहेगा वहां से एक लाइन आ रहा है, वहां से ओ से ए पर जो एक लाइन का वेक्टर बनेगा उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। लेट इट बी, ये सारी चीज तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अच्छा पॉइंट है और क्या चाहिए? प्यार। प्यार मतलब क्या? पैरेलल। अब ये पैरेलल वर्ड क्या लिखा? देखो प्यार मतलब पैरेलल बोलो या तो डायरेक्शन, इससे पैरेलल में कोई एक वेक्टर दिखेगा जिसको हम लोग बी बार बोलते हैं। याद है बच्चा? यस और नो, यस और नो, यस और नो, हाँ हाँ ग्रेट ग्रेट। तो अगर ऐसा दिखेगा तो इस लाइन का अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्या रहता है बोलो? आर बार इज इक्वल टू व्हाट? ए बार प्लस लैम्डा बी बार। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसी बेस पर है। अच्छा ये भी हो सकता है कि यहाँ पर है ना लाइन जो आ रहा है ना, लाइन जो आ रहा है इस लाइन का तुम लोगों को क्या करना है? इक्वेशन निकालना है। 3D लाइन है तो दोनों एरो बना दो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये वापस एक पॉइंट से जा रहा है जिसका नाम है ए बार, पोजीशन वेक्टर। अच्छा ये दो पॉइंट से पास हो रहा है बी, बी बार। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना रहता है तो बहुत ही सिंपल है, दो पॉइंट से पास होगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार। बहुत ही सिंपल है, देखो इसको बोलते पॉइंट और इसको बोलते प्यार, इसको बोलते पॉइंट और इसको बोलते प्यार। यहां पर देखो कार्टेशियन, कार्टेशियन मतलब क्या होता है? वेक्टर नहीं दिखता है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिखेगा। जैसे कि ये समझो ये लाइन है, ये समझो एक पॉइंट से पास हो रहा है, अब वेक्टर नहीं लिखूंगा, पॉइंट का नाम है x1 y1 z1। बोलो याद रहेगा? ये सुनो, इस लाइन का एक डायरेक्शन रेशियो है, एवरी लाइन हैज इट्स व्हाट ओन डायरेक्शन रेशियो, और एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो एक नहीं रहता, लाखों रहता है। ये सब के बारे में डिस्कस हो गया, समझ लो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो मतलब एक कुछ तो तीन नंबर रहेगा जो इसका डायरेक्शन बता रहा है कि हाँ भाई ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। हम मैटर नहीं करता, तुम लोग बोल दो समझ लो 3, 2, 4 ऐसा कुछ तो रहेगा जिसको हम लोग ए बी सी बोलते हैं, ए बी सी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, क्या लिखने का? x - x1 y - y1 z - z1 अपन में ए बी सी, ए बी सी। अच्छा ये फेमस क्वेश्चन है, देखो मैंने लास्ट लेक्चर भी लिखा था, ये IMP है। डायरेक्शन रेशियो ठीक है, क्या चाहिए बताना? पॉइंट चाहिए, प्यार चाहिए, पॉइंट चाहिए, प्यार चाहिए, पॉइंट चाहिए, प्यार चाहिए। अभी क्या हो रहा है मालूम है? ये लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक का नाम है x1 y1 z1, दूसरे का नाम है बी x2 y2 z2। देखो पॉइंट तो मिल गया, पॉइंट या तो ए को बोल या तो बी को बोल। नॉर्मली टेक्स्ट बुक में हम लोग ए को जो पहला पॉइंट दिया रहता ना उसी को ए बोल देना है, मतलब ये पॉइंट है। अब दूसरा क्या चाहिए? प्यार। प्यार मतलब क्या होता है? पैरेलल। इससे पैरेलल कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तेरे को, नहीं मालूम है, या डायरेक्शन रेशियो बता दे। डायरेक्शन रेशियो निकालना बहुत ही सिंपल होता है, दो पॉइंट दिया था ना उसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। जरा ध्यान से देखो, x - x1 तो लिखा है, अपॉन में क्या लिखा है? x - x1, अपॉन में ए नहीं लिखा है, ए मतलब डायरेक्शन रेशियो होता है ना, तो डायरेक्शन रेशियो का यहाँ पर वैल्यू दिया रहता है x2 - x1। जब पॉइंट ही एक दिया है तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली दिया रहेगा, जब दो पॉइंट दिया तो बोलेगा तू ही डायरेक्शन रेशियो निकाल भाई, समझ पा रहे हो? चलो ये सब तो हो गया लास्ट लेक्चर का रिवीजन।
2, 3, 5 मिनट लिया रहेगा मैंने, सॉरी उसके लिए, लेकिन इतना रिवीजन जरूरी था। अब चालू करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.1। प्लीज इसको रिवाइज कर लो, वीडियो पॉज करके एक बार याद करने की कोशिश कर लो आप लोग सब, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर पहला सम चालू करते हैं। अच्छा जो ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया ऑलरेडी डन इन लेक्चर नंबर 01, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में हो गया है। मैंने आप लोग को एक टास्क दिया था बच्चा कि अपना टाइम बचाओ, आप लोग एक्सरसाइज का सम्स खुद से सॉल्व करना चालू करो, बेसिक्स देख लिया ना आप खुद से करो, नहीं आया तो वीडियो देखो या फिर डाइजेस्ट वगैरह shala.com दुनिया भर का चीज़ें तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टाइम वीडियो देख के टाइम का खोटी करोगे, उससे अच्छा एक काम करो डाइजेस्ट वगैरह परचेस कर लो, अगर नहीं है तो बाजू वाले से मांग लो, सेकेंड हैंड खरीद लो, कम से कम उतने में काम हो जाएगा। सेकेंड हैंड में खरीदो, सेकेंड हैंड में बेच दो, कुछ तो पैसा झोल झपाटा हो जाएगा। चलो यहाँ पर फाइंड आउट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, आगे चल के कन्फ्यूजन बढ़ेगा इसलिए मेरी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखो तो कन्फ्यूजन नहीं बढ़ेगा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो यहाँ पर बोल दिया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है जो कहाँ से पास हो रहा है वो पॉइंट, उस पोजिशन वेक्टर, मतलब सर समझने वाले समझ करेंगे, ये लाइन का समझो मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालना है, ये कहां से पास हो रहा है, एक पॉइंट से, पॉइंट से, पॉइंट से, पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो लेकिन उसका पोजीशन वेक्टर दे दिया है। पोजीशन वेक्टर क्या, एक बार ही लिखते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर दे दिया, क्या बोला बोलो, उस पोजीशन वेक्टर इज व्हाट, बोलो -2y कैप +j+k कैप एंड पैरेलल टू द वेक्टर, ये लाइन का, बच्चा सुन, ये लाइन का तेरे को इक्वेशन निकालना है, ये लाइन पर एक पॉइंट भी दिया है उसका पोजीशन वेक्टर भी दे दिया है, तो यहाँ पर ए लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोग क्या लिखोगे, ए बार, क्या लिखोगे, ए बार, और पैरेलल ये किसी वेक्टर से पैरेलल है, चलो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन एक भी दे सकते थे, यहाँ पर मैंने दोनों दिया तो इससे डरने की जरूरत नहीं, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बी बार। अरे इससे सॉर्टेड है सर, एक बार मैं वापस बता देता हूँ, इस लाइन का वेक्टर फॉर्म में दिया है, प्लीज आप लोग ये माइंड से हटाते ना कि इस लाइन का वेक्टर फॉर्म में ये दिया है, ये पोजीशन वेक्टर दिया होता है, पोजीशन वेक्टर मतलब ये ए बार इस लाइन का नहीं होता, बी बार इस लाइन का है, नो डाउट, इतना डिटेल में बताने के पीछे कुछ वजह है, ए बार ये नहीं है, ए बार का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का, पॉइंट समझता बच्चा, अगर मैंने यहाँ पर ओ लिखा है, यहाँ पर समझो ए है, बराबर है ना, ए से ओ से ए पर जो लाइन बनता है उसको ओ ए बार बोलते हैं और ओ ए बार को ए बार बोलते हैं, लिखा भले ही पॉइंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस लाइन का पोजीशन वेक्टर ए बार है, नहीं, ये लाइन का पोजीशन वेक्टर ए बार होता है, ये बार बार मैं हर लेक्चर में बताते आ रहा हूँ। बच्चे लोग बोलते हैं कि सर इक्वेशन क्यों निकालो जब वो ऑलरेडी आई जे के फॉर्म में दिया, नहीं बच्चा वो नहीं है, वो कुछ और चीज़ दी है, ठीक है। तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहला वाला, एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पहला वाला फॉर्मूला चलो स्टार्ट करेंगे, लेकिन निबंध में लिखना पड़ेगा, निबंध में मतलब सर, अरे देख कैसे लिखता हूँ मैं, द वेक्टर इक्वेशन, देखो फटाफट लिखने का, द वेक्टर ये लिख, अपने मन से लिखेगा फेल हो जाएगा इसलिए यहाँ पर देख, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पासिंग थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट, पॉइंट का नाम लिखो, पॉइंट का नाम क्या है, ए, उसका पोजिशन वैक्टर ए बार, एंड पैरेलल टू द वॉट, पैरेलल टू द, इतना लिखना पड़ता है बच्चा, ये लिखना पड़ता है, पैरेलल टू द वैक्टर बी बार इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, डायरेक्टली फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, आर बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, वेल लैम्बडा इज व्हाट, लैम्बडा इज स्केलर, याद आ रहा है स्केलर मतलब कुछ भी हो सकता है नंबर, बस अभी ए बार और बी बार का वैल्यू लिखो, हियर 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 ए बार इज व्हाट, हियर ए बार इज व्हाट, क्या लिखोगे, ए बार मतलब जो पहला दिया है, बोलो -2y कैप +j कैप +k कैप, देखो बच्चा मैंने बहुत सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, बी बार इज व्हाट, पैरेलल वेक्टर बताओ, 4i कैप, क्योंकि मैंने बताया डायरेक्ट इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और पैर, पॉइंट ये है प्यार, ये है प्यार मतलब पैरेलल, ठीक है, लिख लो 4i -j कैप +2k कैप बराबर है, देयरफॉर इक्वेशन रिक्वायर, इक्वेशन इज रिक्वायर, इक्वेशन रिक्वायर, इक्वेशन मतलब समझते हैं जो चाहिए, इज गिवन बाय, थोड़ा निबंध लिख रहा हो ताकि तुम लोगों को मार्क्स पूरा मिले, इज गिवन बाय, इसको हाईलाइट कर देता बच्चा, इसको हाईलाइट करो क्योंकि मेन तो यही है ना बच्चा, मेन तो यही है, इसके अंदर वैल्यू पुटअप करो, आर बार का वैल्यू नहीं लिखते अपन, आर बार का वैल्यू नहीं लिखते, बोलो आर बार इज इक्वल टू वॉट, ए बार का वैल्यू -2y कैप +j कैप +k कैप, यहाँ पर प्लस लैमड़ा की जगह पे लैमड़ा, लैमड़ा की जगह पे लैमड़ा, बी बार की जगह पे ये 4i कैप -j कैप +2k कैप, मुझे नहीं लगता कि ये हो गया सम बच्चा, क्या है क्या है, क्या चालू हो कि खत्म हो गया, मैं डायरेक्टली यही लिख सकता था, MCQs में दिया तो डायरेक्टली ये लिख दो, लेकिन बच्चा स्टेट बोर्ड है 2 मार्क्स 1 मार्क्स का सम आता है, तो ऐसा निबंध लिख,
समझ पा रही है ची? पहले ऐसा निबंध लिख, फिर ये लिख दे, या हियर नहीं लिखने आता तो लेट लिख दे, तेरी मर्जी, कुछ भी चलेगा, तेरी मर्जी, ऐसा लिख दे, लेट ए बार इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर लिख दे, लेट ए बार इज इक्वल टू व्हाट, बस तेरी मर्जी, कुछ भी लिख, हियर लिख, जितना इंग्लिश आता है, नहीं नहीं जितना इंग्लिश आता है उतना मत लिख, सिर्फ इतना ही लिख, लेट और हियर, तेरा इंग्लिश पढ़ेगा तो सामने वाले को डिक्शनरी ओपन लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है, ओपन करना पड़ेगा। चलो इसको कॉपी करो, फिर सेकेंड वाला देखते हैं। सो गाइज, सेकेंड वाला सम यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी डन इन व्हाट लेक्चर नंबर 01, याद होगा तो ये भी सम हमने ऑलरेडी कर दिया है। एक बार क्वेश्चन रीड करो, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, अपने को क्या चाहिए, पहले अपने आप से बात करो, जो इंसान अपने आप से बात करता हर इंसान वो पागल नहीं होता, तो मेरी बात सुनो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे यहाँ पर ये बता दो, वेक्टर इसका बनाने का है, मुझे बताओ इसके लिए क्या चाहिए, इसका इक्वेशन बनाने का है, मुझे बताओ क्या चाहिए, पॉइंट और प्यार, पॉइंट और प्यार, पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजिशन वैक्टर, देखो ये पॉइंट दिया है, इसका पोजिशन वैक्टर क्या दे दिया, ए बार, और दूसरा मतलब इस बार पैरल, देखो यहाँ पर बी बार दे दिया, मतलब यही लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है। सर वो तो कार्टेशियन वाला फील आ रहा है, नहीं नहीं बच्चा, ए रुक रुक मेरी जान, मेरी बात सुन, मैंने पहले बोला था अगर ऐसा वाला गेम रहेगा तो आर बार इज इक्वल टू क्या लिखने का बोलो, अगर यहाँ पर पहले पॉइंट लिख, हाँ पॉइंट लिखा, ए बार प्लस लैम्बडा प्यार, प्यार मतलब क्या होता है, इससे पैरेलल कुछ है क्या, नहीं, अरे है, पैरेलल बन सकता है, इससे पैरेलल कितने सारे वेक्टर बन सकते हैं, यही दोनों का डिफरेंस करने का रहता है, बी बार माइनस ए बार, उसको डायरेक्शन रेशियो बोल दो, बी बार माइनस ए बार, अगर याद होगा तो ये सारे चीज़ें हमने कर दिया है, इसको आप लोग डायरेक्शन रेशियो बोलो, कुछ ही बोल सकते हो, पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो, कुछ ही बोल सकते हो, तो मतलब सॉर्टेड है सर, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, ए बार एंड 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 व्हाट, क्या लिखोगे, बी, बी बार इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, बच्चा बोलो इज गिवन बाय व्हाट, इज गिवन बाय सेम, आर बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। अगर मैं एक चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ, ये मैं सब फॉर्मेलिटी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे मार्क्स मिले, मुझे आता है वो बड़ी बात नहीं है, नहीं वो बड़ी बात है, लेकिन उसको पेपर में लिखना वो उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि मार्क्स भी तो चाहिए, कंसेप्ट, कंसेप्ट ठीक है, कंसेप्ट के मामले में तुम लोग सबसे आगे हो, लेकिन पेपर पे तो लिख, माँ बाप की इच्छा क्या तेरा मार्क्स आए, तेरी इच्छा क्या तेरे कंसेप्ट बने, तो दोनों का इच्छा पूरा करो, कंसेप्ट आ गया अब माँ बाप की इच्छा भी पूरी कर लेते। चलो यहाँ पर बोलो क्या आएगा, लेट, बोलो बोलो, ए बार, ए बार, ए बार क्या है, ए बार यही पहला वाला, ए बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3i कैप प्लस 4j माइनस 7k कैप, और बी बार क्या आएगा, बी बार 6i, सर आप तो बहुत सही कर रहे हो, आप लोग ये सही है, थोड़ा सा चेंजेस करो, काम खत्म, ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन बना देगा तो मैडम खुश हो जाएगी, बोलेगी बच्चे को कंसेप्ट बहुत अच्छा से आता है, तो पूछेगी ना फोन करके कहाँ से सीखा, तो बोलता देना मेरा चैनल का नाम ले लेना, मेरा मतलब हमारे चैनल का नाम हमारा। चलो बोलो, रिक्वायर इक्वेशन इज गिवन बाय, रिक्वायर इक्वेशन इज गिवन बाय, आर बार इज इक्वल क्या आएगा, इसके अंदर वैल्यू पुटअप करो, ए बार का वैल्यू क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, बरोबर है सर, हाँ प्लस लैम्बडा, लैम्बडा आगे क्या आएगा, बी बार माइनस ए बार, एक काम करो बी बार लिखते पहले अच्छे से, बी बार क्या है, 6i माइनस j कैप प्लस k कैप, अच्छा बी बार लिखा माइनस ए बार, ए बार मतलब समझता बच्चा, ए बार ये वाला पार्ट, लेकिन देखो ये माइनस लिखा था, छोटा सा डब्बा बनाओ, क्यों सर, क्योंकि अंदर है ना ये जाके उंगली करता है, क्यों उंगली करना मतलब साइन चेंज करता है, साले बुढ़ो वक्त कुछ भी सोचेंगे तुम लोग, 3i प्लस 4j माइनस 7k कैप, ओके यहाँ पर, अब देखो ये अंदर जाके साइन चेंज करता है, सर वापस लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा, क्या करें मजबूरी है, 4j माइनस 7k कैप, आगे बोलो ऐसा लिखो लैम्बडा, बोलो 6i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, साइन चेंज, माइनस हो जाएगा ये, माइनस हो जाएगा ये, प्लस हो जाएगा, एक्चुअली होता है क्या मालूम है, ये माइनस अंदर है ना साइन के साथ मल्टीप्लाई करता है, इसके पास प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, समझ पा रहे हो, माइनस 3i कैप, देखो ये माइनस है ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस ये होता है, और देखो ये माइनस है ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन चेंज करने के पीछे वजह भी तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारे पास कंसेप्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, साइन चेंज क्यों होता है बोलने का, माइनस अंदर जाके माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करता है, ये रीज़न होता है, आर बार इज इक्वल डॉट, नहीं तो सिर्फ सिर्फ ये आता है तुम लोग को, साइन चेंज होता है, लेकिन क्यों पता नहीं, टीचर ने सिखाया था इसलिए, ऐसा नहीं होता बच्चा, आई का सेटिंग आई के साथ, छः में से तीन जगह तीन बचेगा, बड़ा नंबर यही है 3i कैप, ये प्लस माइनस वाला काम तेरा बच्चा, माइनस देख इधर कुछ नहीं मतलब माइनस 1j, इधर माइनस 4, माइनस 1 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 4 5, बड़े नंबर का साइन, माइनस 5j कैप, के और यहाँ पर क्या आएगा 8k कैप, और ये तेरा फाइनल आंसर रहेगा, इजी है बच्चा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और तेरे को डेकोरेशन करना है तो फाइनल आंसर लिख, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये वाला लिख दो, ठीक है, अगर फाइनल आंसर लिखना रहेगा तो मजा आएगा, कॉपी कर लो इसको भी। सो गाइस यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिया है लेकिन आ जाएगा।
तू पहले दिल पे हाथ रख 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 रख। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ बता, इक्वेशन ऑफ 3D लाइन के लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए, बता क्या? पॉइंट और प्यार, पॉइंट और प्यार। एक बार वापस, पॉइंट और प्यार। पॉइंट मतलब क्या आ रहा है? ए। और प्यार मतलब क्या आ रहा है? डायरेक्शन या तो फिर पैरेलल। चलो देखते हैं। अच्छा, पॉइंट को आई जे के लगा दिया तो वेक्टर बन जाएगा, आई जे के हटा दिया तो कार्टेशियन बन जाएगा। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। यस, ये ए है, इतना तो मालूम पड़ गया। चल बच्चा, बैकग्राउंड स्टोरी में इधर लिख देता हूं। बैकग्राउंड स्टोरी बच्चा सुन, तू अगर डाइजेस्ट वगैरह देखने की कोशिश करेगा तो तेरे को समझेगा नहीं। मैं यहां पर लिखता हूं तेरे कंसेप्ट के लिए, हमेशा सोचने की कोशिश कर, बहुत मजा आएगा। तेरे को क्या निकालना? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन है उसका क्या निकालना? वेक्टर इक्वेशन। अच्छा, वो पॉइंट से पास हो रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर भी दे दिया है, ए बार दे दिया है, दिया है, दिया है, दिया है। और कुछ तो लिखा है, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, इस वक्त इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है। क्या दिया है? क्या दिया? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या दिया है बच्चा? बोल, डायरेक्शन रेशियो मतलब ए बी सी दिया है। बोल ए बच्चा, ये डायरेक्शन रेशियो का मतलब जो डायरेक्शन बताता है क्या है? -3, 4, 2। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, एक मिनट एक मिनट, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। डायरेक्शन रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी सी। सर ऐसा लग रहा है ये कार्टेशियन वाला आ रहा है, x-x1 अपन। मेरी जान, मेरी बात तो सुन, क्वेश्चन क्या पूछा? वेक्टर या कार्टेशियन? वेक्टर। तो बस यहाँ पर जो भी दिया, अगर तेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कितना सिंपल होता है, सिर्फ लिखने का ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मैंने बोला था देख, पॉइंट और प्यार, प्यार मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो में आई जे के हटा देगा तो ए बी सी दिखेगा, और आगे आई जे के लगा दिया तो वेक्टर बन जाएगा। मतलब सॉर्टेड है ये, कुछ और नहीं है, बी बार है। अच्छा मैं एक बार वापस एक काम करता हूँ, यहाँ पर और कंसेप्ट देता हूँ। ये क्या लिखा है? -3, 4, 2। क्या तुम लोग को याद है डायरेक्शन रेशियो? एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। क्वेश्चन में भले ही -3, 4, 2 दिया है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और जिस टीचर ने इसको रॉन्ग दे दिया, बोल देना भाई टीचर तुम टीचिंग छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारे पास कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो -3, 4, 2 है, कल के दिन मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके बोल सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके बोलो, 2 से -6, 8, 4। यस बच्चा, इसी चीज को ऑप्शन में अगर -6i + 8j + 4k दिया है तो राइट आंसर है। ये चीज याद रखना, ये आशीष सर का गारंटी है बच्चा, पूरा कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो एक नहीं होता, लाखों होता है। इसने ये दिया, तू और करके लिख सकता है, तू कुछ और लिख सकता है, कुछ और लिख सकती है, तेरी मर्जी होती है। मेरी बात सुनना, यहाँ पर ये दिख रहा है एबीसी, इसमें आई जे के लगा दिया तो ये बी बार हो जाएगा, बस बस खत्म हो गया। डायरेक्शन रेशियो r² = a² + λb² सर, वो बी बार माइनस ए बार नहीं आएगा क्या बच्चा? ये पॉइंट, पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, डायरेक्शन रेशियो, इट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज ऑलवेज इंडिकेटिंग डायरेक्शन। समझ पा रहे हो ये चीज? अरे ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट रहता तो बी बार फिर हो ही जाता, r² = a² + λb² - a² ये पॉइंट थोड़ी ना है, ये डायरेक्शन है। अरे हाँ यार, चल मेरी बात सुन, देख मेरे लिखने का तरीका देख, तू अगर डाइजेस्ट वगैरह ओपन करेगा तो तू फिर फंसेगा। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बार एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो बोलो, हैविंग डायरेक्शन रेशियो, बोल बच्चा हैविंग डायरेक्शन रेशियो व्हाट? ए बी सी, दैट इज, दैट इज, दैट इज, हाँ दैट इज, देखो ये पर क्या लिखा, दैट इज बी बार इज इक्वल टू, लिख देते ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मेरी बात सुनना, ये बी और ये बी बार में कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, ये बी बार वैक्टर बता रहा है। अरे आया ना, इज गिवन बाय, हो गया सॉर्टेड है यार, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है बच्चा, सॉर्टेड है। ये ए बी सी जो दिख रहा है ना, अरे कितना जनरल फॉर्म में बताना, खत्म हो गया। ए बार दिया, बी बार दिया, ए बार दिया, बी बार दिया, और क्या चेतरे लाइफ में? प्लीज डोंट राइट लाइक दिस, बी बार माइनस ए बार नहीं, ये खुद एक डायरेक्शन है। अरे समझ पा रहे हो? यानी अगर लाइन दो पॉइंट से पास होता है तो बी बार माइनस ए बार, वो पॉइंट है नहीं, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट नहीं है, दूसरा डायरेक्शन है, दूसरा पॉइंट नहीं डायरेक्शन है, चिल्ला के बोल, दूसरा पॉइंट है या डायरेक्शन है? डायरेक्शन है। तो यहाँ पर खत्म कर, बोल बोल बोल, वो क्या आएगा? दैट इज वॉट, क्या आएगा बोलो? r² = a² + λb² - a² लिखूंगा, घर पे आके मारूंगा, मैंने बोला चिल्ला के बोल, बी बार आएगा, सिर्फ सिर्फ बी बार। क्यों आएगा बी बार? क्योंकि डायरेक्शन चाहिए। बी बार माइनस ए बार कब लिखना है? x² - x1 कब लिखना है? जब उस लाइन पर दो पॉइंट बोला है, सामने से बोला, दो पॉइंट से पास हो रहा है, दो पॉइंट से पास हो रहा है, दो पॉइंट से, तू अपने मन से अज्यूम क्यों कर रहा है कि ये दूसरा पॉइंट है? नहीं नहीं, दूसरा पॉइंट नहीं है ये। अरे हाँ ना, ये दूसरा पॉइंट नहीं है, दूसरा पॉइंट नहीं है, दूसरा पॉइंट नहीं है। अरे समझा, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, ये समझ पा रहे? बस खत्म करो, बोलो क्या लिखोगे? बी बार बोलो, लेट ए बार इज इक्वल टू, क्या लिखोगे ए बार? अरे लिखा ही नहीं क्या मैंने? अच्छा ये यहाँ पर 5i कैप + 4j कैप
प्लस थ्री के कैप बराबर है कि नहीं, और बी बार डायरेक्शन बता, इसके आगे आई जे के चिपका, बस माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस टू के कैप बता, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज व्हाट गिवन बाय आर बार इज इक्वल टू डे बार प्लस लैम्बडा। अरे ये क्यों लिख रहे हो सर, फिलअप करना है ना वो आई बार, बोलो बोलो इसको हाईलाइट करो ना सर, अच्छा लग रहा था। ए बार बोलो क्या गया, फाइव आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप, ये हो गया ए बार डब्बा क्लोज प्लस लैम्बडा। बी बार बोलो बोलो, माइनस थ्री आई प्लस फोर जे प्लस टू के कैप, ये हो गया फाइनल आंसर। लेकिन देखो यहाँ पर अगर तुम लोग को यहाँ पर और कुछ होशियारी गिरी करना है तो स्टाइल चेंज, यहाँ पर लिखो स्टाइल चेंज, स्टाइल चेंज। मैंने क्या बोला, ये आर बार इज इक्वल टू व्हाट, बोलो फाइव आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप, यहाँ पर देखो प्लस लैम्बडा, ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो को मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करके बोल सकता हूँ, टू से, थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स से, वन बाय टू से, वन बाय थ्री से, वन बाय सेवन, माइनस वन, माइनस टू, कुछ भी। चलो टू से मल्टीप्लाई करके बोलो, माइनस सिक्स आई कैप प्लस एट जे कैप प्लस फोर के कैप, मैंने बात किया था। अरे हाँ स्टाइल, यस ये एब्सोल्युटली ये राइट आंसर है, समझ पा रहे हो। कभी कभी क्या हो जाता मालूम है, टीचर लोग ये नहीं क्वेश्चन में, समझो यहाँ पर एमसीक्यूज में आया तो एमसीक्यूज में ये दिया है, बच्चे लोग सदमे में फिर साला ये पढ़ाया था आशीष सर ने, ये आंसर ऑप्शन में दिया है। अरे क्योंकि सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम लोग को डायरेक्शन रेशियो के बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, समझ पा रहे हो। और भी हो सकता है, आर बार इज इक्वल टू पूरा सेम प्लस लैम्बडा, यहाँ पर तीन से मल्टीप्लाई करो, तीन से माइनस नाइन आई कैप, इसको या इसको 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 नहीं, तीन से बारह जे कैप प्लस सिक्स के कैप। लेकिन एक चीज बताता हूँ, होशियारी पटेलीगिरी करने का नहीं, जो क्वेश्चन में दिया वही करने का, नहीं नहीं आशीष सर ने बोला चल झगड़ा कर लेंगे चाकू लेके, अबे मार खा जाएगा तू साले, टीचर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना, उन्होंने बोला सर्कल एक रेक्टेंगल है तो बोल दे हाँ, क्योंकि इंटरनल मार्क्स उनके हाथ में यही चीज है भाई, नहीं तो उनसे आर्ग्यूमेंट करेगा इंटरनल चले जाएगा तेरा, तू फिर देख तकलीफ में जिएगा तू। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट मत करना, क्लास वाले टीचर से झगड़ा कर ले, कॉलेज वाले टीचर से नहीं ठीक है, ये कॉपी कर, ये समझा या नहीं बच्चा। बी बार माइनस ए बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो पॉइंट नहीं है वो डायरेक्शन है, तो डायरेक्टली बस पॉइंट ची प्यार ची, पॉइंट ची प्यार ची, बस खत्म कर लिख अभी। सो गाइस यहां पर देख बच्चा, मैं कभी भी बच्चे लोग को ये नहीं बोलता कि तुम लोग फॉर्मूला रट्टा मारो, मेरा एक ही कहना है कि फॉर्मूला जगह पे बनाना सीख लो, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह भी घुमा के आने दे, साला तू अगर फ्रेंड्स एकेडमी से पढ़ा है तो तेरे को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला किस तरह बनाते हैं। क्या लिखा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, रुक जा पहले अपने हाथ दिल पे, ऐसा हाथ रख दिल पे मतलब अंदर हाथ मत डाल रहे ऐसा, और बोल एक लाइन के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए, या फिर प्यार चाहिए, क्या चाहिए प्यार चाहिए, प्यार का मतलब क्या हो रहा है, प्यार का मतलब सर पैरेलल या फिर डायरेक्शन रेशियो, आ जा मेरी बात सुन। बैकग्राउंड स्टोरी यहाँ पर एग्जाम में लिखना नहीं, बैकग्राउंड स्टोरी फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजिशन वेक्टर, यस एक पॉइंट तो मिल गया, नो डाउट इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, ये मेन लाइन है, मेन लाइन है बच्चा, ये मेन लाइन है, मेन लाइन है ठीक है, मेन लाइन है, ये मेन लाइन है, इसके पास एक पॉइंट मिल गया, पॉइंट का नाम क्या दे देंगे ए बार ठीक है, ये तो मालूम पड़ गया। अच्छा वेक्टर इक्वेशन बोला है तो एक्स एक्स वन ये सब सोचने की दूर जरूरत ही नहीं है, दो ही फॉर्मूला आएगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, या आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। बी बार माइनस ए बार भी कब आता है, बी बार माइनस ए बार भी कब आता है, जब लाइन दो पॉइंट से पास होएगा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया क्या देखते हैं, एंड विंग पोजिशन एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ये क्या मसला भाई, कुछ भी दे दिया आउट बैठ के, एंड परपेंडिकुलर फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजिशन वेक्टर, चलो ये नो डाउट इसमें ए बार है, परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन दो वेक्टर दो लाइन से परपेंडिकुलर है। अच्छा स्पेस में लाइन है, कुछ भी हो सकता है, तीतर भीतर कैसा भी हो सकता है, ऐसा ये ऐसा भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ऐसा भी स्पेस में कुछ भी हो सकता है, तो ये लाइन दो लाइन से परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ये देखो पहला, ये देखो ये पहला है, ऐसा कुछ हो सकता है बराबर, ये समझ लो ये एल वन है, एल वन ये समझा, नहीं तो इसको नाम दे देते बी वन दे देते, वेक्टर है ना बी वन, ये बी नहीं है, बी बी तो पैरेलल होता है, बी बार तो पैरेलल होता है, चलो बी वन बार ओके आगे, और ये परपेंडिकुलर का मतलब समझता है, अपना लाइन इससे परपेंडिकुलर, सर ये तो परपेंडिकुलर दूर दूर तक नहीं दिख रहा, मेरी जान मेरी बात सुनिए, टू डी नहीं है थ्री डी है, कैसा भी बना बस सिर्फ सिंबल बना दिया ना तो समझ लेने का ये थ्री डी है, ऐसा होता मुझे भी मालूम है, तेरा मैथ्स मैं ही सिखा रहा हूँ ना तुझे, तो ऐसा होता परपेंडिकुलर, लेकिन ये थ्री डी है कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर देख ये परपेंडिकुलर हाथ दिख रहा है, क्या ये परपेंडिकुलर है, थ्री डी में जब रहेगा ना देखो ऐसा
ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा करोगे ना 3D में कहीं पर भी, तो तुम लोगों को दिखेगा ये परपेंडिकुलर ही होता है। अपना अपना लुकआउट है, जरूरत नहीं है ये सब सोचने के लिए। ये मेन वाला लाइन पहले वेक्टर से परपेंडिकुलर है। और क्या बोला है, और क्या बोला है बोलो, दूसरे वाले से भी क्या है परपेंडिकुलर है, दूसरे वाले से। इसको लिख देते बी, बी टू लिख लेते, ये भी क्या है परपेंडिकुलर है। मेरी बात सुन ले बच्चा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, प्लीज प्लीज प्लीज। देखना ये डायग्राम से क्या तू फील कर सकता है कि जो अपना वाला लाइन है, अपना मतलब ये है अपना, अपना लाइन, अपना वाला, अपना लाइन ये है, अपना लाइन है बच्चा, अपना लाइन, अपना मेन लाइन यही है, मेन लाइन, अपना मेन लाइन क्या हो रहा है, ए बार से पास हो रहा है, बहुत सही। साला दो लाइन से परपेंडिकुलर, एक का नाम क्या दे दिया बी वन, दूसरे का नाम क्या दे दिया बी टू। बोलो याद रहेगा आप लोग को, अरे बोल हाँ या ना, ओके। ये मुझे क्या चाहिए रहता है एक बार वापस बता सर, पॉइंट चाहिए और प्यार चाहिए। प्यार मतलब क्या होता है सर, प्यार मतलब होता है या तो डायरेक्शन दे दे, या तो इससे कोई एक वेक्टर पैरेलल बना दे। वेक्टर पैरेलल क्या, वेक्टर पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या है पैरेलल, अच्छा ऐसा होता है पैरेलल नहीं, लाल वाले से अगर पैरेलल बनने गए, लाल वाले से अगर पैरेलल बनाना है तो ऐसा लाइन बनाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ भी बनाओ, उसी को बी बार बोलेंगे। क्या आप लोग को ये मालूम है, क्या सच सच बताना, क्या क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो याद है? दो वेक्टर को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, देखना बच्चा मैंने स्केल लेके बताया था, याद कर, ये समझ लो ए बार है, ये दूसरा बी बार है। अगर मैंने ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ऐसा दिखता है, ये पहला वेक्टर ए बार समझो, दूसरा वेक्टर बी बार, हाँ मेरी बात सुनो, ए बार बी बार समझो, ये ए बार है ये बी बार है, दोनों को मैंने क्या कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ ना, एक नया वेक्टर पैदा होता है जो इससे परपेंडिकुलर रहता है, जो इससे क्या रहता है परपेंडिकुलर, ये कंघी समझ लो, हाँ ये चीज़ याद रखना। ये दोनों का अगर मैंने क्रॉस किया तो एक नया वेक्टर पैदा होता है जो ये दोनों से क्या रहता है परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपने वीडियो कवर किया है, ये ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकता है। जरा मेरी बात सुनना, अगर चलो ये दोनों, ये दो वेक्टर है बी वन और बी टू, अगर मैंने इसका क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, समझ लो ये लाइन ऐसा क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, प्लीज़ मेरी बात सुनो, अगर मैंने क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, क्रॉस कर दिया तो होगा क्या कि इधर से एक लाइन तुम्हारे साइड आ सकता है या तो इधर जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, देखो ध्यान से, ये दोनों ऐसा क्रॉस कर रहे हैं, अगर मैंने दोनों दोनों क्रॉस छोड़ो, दोनों वेक्टर का अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो क्या होगा, सोचो ना बच्चा, सोचो सोचो सोचो, क्रॉस करना मतलब क्या हो रहा है। देखो ऑब्वियसली ये वाला लाइन इससे परपेंडिकुलर है, मैंने बोल दिया कि ये वाला लाइन इससे परपेंडिकुलर है, सोचो अगर मैंने क्रॉस कर दिया, देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो क्रॉस कर दिया तो इधर से एक लाइन पैदा होएगा। अरे हाँ ना, ऐसा पैदा तो नहीं होएगा, मैंने बता दिया ना ये वाला लाइन देखो परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस करने के बाद इधर से परपेंडिकुलर, देखिए अच्छा वो वाला भी परपेंडिकुलर, मतलब मेरे को इधर ही जाने का है, मेरी बात समझो प्लीज प्लीज प्लीज। जैसे मैंने ये दोनों का क्रॉस किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा, समझ लो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद एक नया वेक्टर मिल रहा है, मैं उसको क्या बोलूँगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, किधर से भी बना लो, चलो इधर से बना लेता हूँ, ऐसा भी हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, ये बी बार रहेगा, बी बार कुछ और नहीं, बी वन क्रॉस बी टू, मतलब ये दोनों को अगर मैंने क्रॉस कर दिया तो मुझे बी बार पैदा होएगा। सर आप कुछ भी फॉर्मूला कभी भी पैदा कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, तेरा बस कंसेप्ट होगा तो तेरे को मालूम पड़ेगा, मैंने जो बोला हो तेरे को पूरा विजुअलाइज होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। देख देख ध्यान से देख, ये वाला लाइन है इसको ए बार बोलते, मतलब इस लाइन पर एक पॉइंट है जिसको ए बार बोलते। तुझे और क्या चाहिए, प्यार चाहिए, जो मिलेगा नहीं तुझे तेरे लाइफ में जब तक तू सक्सेस नहीं होएगा, नहीं हो सकता मिल जाए, पता नहीं, यहाँ पर 12th फेल मूवी आ गया यहाँ पर। तो ये दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो एक नया वेक्टर पैदा होगा जो क्या रहेगा परपेंडिकुलर, जो नया वेक्टर रहेगा वो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर तुम्हारे साइड तो आएगा नहीं, देख रहा अच्छा ऑलरेडी इधर से एक परपेंडिकुलर गया तो उसी डायरेक्शन में जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो मैं फॉर्मूला कैसे बनाने वाला हूँ यहाँ पर, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बार एंड परपेंडिकुलर टू वॉट एंड परपेंडिकुलर, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं रट्टा मारने में भरोसा नहीं करता, एंड वॉट, बोलो बोलो बोलो, एंड वॉट, ये समझा ना, ये बी बार हो गया, ये बी बार हो गया, एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बार एंड परपेंडिकुलर टू वॉट, परपेंडिकुलर टू वॉट, परपेंडिकुलर किससे, परपेंडिकुलर टू वॉट बी वन बार एंड बी टू बार इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, बोलो क्या आएगा, इस गिवन बाय आर बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए बार प्लस लैम्बडा बी वन क्रॉस बी टू। अरे समझा ये नहीं, मतलब ये चीज समझ गया, बी बार लिख सकता था मैंने, बी वन बी टू क्यों लिखा, क्योंकि वो दोनों का क्रॉस करने से बी बार पैदा हो रहा है। अगर तुम लोग को और चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हो, वेयर सिर्फ इधर बी बार लिखो, लिखने का वेयर बी बार इज इक्वल टू बी वन क्रॉस बी टू, क्या याद क्लियर है? अब मेरे को थोड़ा स्ट्रगल लगने वाला है, स्ट्रगल लगने वाला, मैं ये सबको हटा देता हूँ,
प्लीज एक बार वापस सुन लो, एक बार वापस सुन लो, मेरा लाल वाला मेन लाइन था, इसका वेक्टर इक्वेशन चाहिए, पॉइंट मिल गया, प्यार की कमी है, प्यार मतलब क्या हो रहा है, इससे कोई एक वेक्टर पैरेलल, पैरेलल कैसे पैदा किया, वो दोनों क्या कर रहे थे, वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों को क्या कर दिया, ये सुनो, वो दोनों क्या, इस लाइन देखो ना, वो दोनों लाइन से ये परपेंडिकुलर है, मैंने अगर क्रॉस किया तो एक लाइन और एक वेक्टर और पैदा हो जाता है, एक वेक्टर वो भी परपेंडिकुलर रहेगा, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, विजुअलाइज करो, अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब वो दोनों क्या है, पैरेलल है, अगर मैंने बोला एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री है, तो ये कभी पैरेलल नहीं हो सकते, लेकिन ये भी 30 60 90 से आ रहा है, 90 से ये भी है और ये भी 90 से है, समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब ऑब्वियसली दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, तो इसका मतलब बी बार को कैसा पैदा किया ये तुम लोग सोच सकते हो, तो यहां पर चलो हियर लेट लेट पहले लेट लिख लेते, ए बार इज इक्वल टू ए बार इज इक्वल टू ए बार मतलब पहला वाला वेक्टर आई क्या, प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे मालूम है थोड़ा बहुत ऊपर से जाएगा, लेकिन प्लीज अगर तुम लोग कंसेप्ट को फील करोगे ना, तुम लोग को मालूम पड़ेगा, नहीं सर इतना भी तकलीफ वाला चीज नहीं है, आपने सिंपल तरीके से यही बताना चाहते हो, दोनों वैक्टर जो परपेंडिकुलर दोनों का क्रॉस करो तो एक नया वैक्टर पैदा होगा, एक नया वैक्टर जो क्या आएगा, डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में रहेगा, ए बार, अच्छा ये उधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, मैटर नहीं करता, अगर आप लोग को याद होगा तो अपन ने वैक्टर चैप्टर में ये किया है, ठीक है, यहाँ पर B1 बार बोलो, B1 बार मतलब ये देखो पहला वाला आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अभी कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर क्रॉस कैसे करते, भाई तू एक काम कर अपने किचन में जाकर, किचन होगा तो उधर थोड़ा सा वाटी में पानी भर, नाक रगड़ के मर जा साले, तेरे को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, हाँ सब कुछ सिखाया मैंने, तू डिटेल में सीखने की कोशिश ही नहीं करता, हाँ चल सबसे पहले देखो ए बार तो मिल गया, B1 क्रॉस B2 कैसे आएगा, देखो देयरफॉर B1 क्रॉस B2 कैसे आएगा, ध्यान से देखो B1 क्रॉस B2 बार कैसे करने का, एक बार वापस देख, ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ, प्लीज एक बार वापस क्या करने का, दो जन का क्रॉस करने के लिए इधर आई कैप लिखने का, इधर जे कैप लिखने का, इधर के कैप लिखने का, B1 बार जो दिखता है ना, देखो एक मिनट तुम लोग को दिखाता हूँ, देखो B बार जो पैदा होगा ना वो एक वेक्टर फॉर्म में पैदा होगा, देखते ये B1 जो दिख रहा है ना, ये उसका आई जे के वाले के साथ जो चिपका है, आई के साथ कौन है 1, जे के साथ कौन है 1, के साथ कुछ नहीं मतलब 1, अच्छा B2 बोलो, यहाँ पर 2, यहाँ पर बोलो -1, इधर कौन है 1, बोलो याद रहेगा बच्चा, यस और नो, बस खत्म करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, डिटरमिनेंट पकड़ के छोड़ो, डायलॉग क्या था पकड़ के छोड़ो, पहले आई कैप को पकड़ो अब उसको छोड़ दो, बोलो क्या आएगा 1 1 -1 1, फिर जे कैप, लेकिन बीच वाले का साइन चेंज करना रहता है ये भी आपको पता है, पकड़ के छोड़ो बोलो क्या आएगा 1 1 2 1, फिर के कैप प्लस के कैप, बच्चा बोल चल चालू कर, बोलना चालू करने का, इसका रो और इसका करो 1 1 1 1 2 -1, बच्चा बहुत डिटेल में सिखाई ये सारी चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते आप लोग, चलो बोलो क्या आएगा आई कैप लिखने का, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको मान लो 1 into 1 1, माइनस फिक्स होता है -1 into -1 लिखने से अच्छा +1 लिख दे, ये सब जीरो लेवल वाली बात है, ग्राउंड लेवल वाली बात, ये आप लोग को पता ही होगा 1 into 1 फिर 2 प्लस के कैप, पहले इसको मल्टीप्लाई करो 1 into -1 -1 -2, बराबर बच्चा, चलो लास्ट स्टेप बोलो क्या आएगा B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो 1 + 1 2 2 आई कैप, आगे एक में से दो गया -1 बचेगा, -1 और -j प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो +j कैप, -3 के कैप, ये आपका दिख रहा बच्चा ये पूरा, ओके नाउ खत्म, रिक्वायर वेक्टर ए, इसको लिखना नहीं एग्जाम में, ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये तुम लोग के लिए, इसके जैसे एक और सम है अपने पास, इसके जैसे एक और सम है मैं कराऊंगा, हाँ यहाँ पर बताओ फिर हो गया आंसर, नहीं सर रिक्वायर इक्वेशन भी कम, बोलो रिक्वायर इक्वेशन इज क्या आएगा, बोलो आर बार, चलो लिख देते वापस आर ए बार प्लस लेमड़ा B1 क्रॉस B2 बार, चलो ए बार क्या है, ए बार क्या है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, चलो बच्चा आगे बोल प्लस लेमड़ा, अब इसको मल्टीप्लाई मत करो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे कुछ बच्चे जैसे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं ये क्रॉस प्रोडक्ट है, देखो निकल के रखा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, देख बच्चा एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ पीछे से, ताकि मुझको भी अरे होना चाहिए ना यार भरोसा, तुम लोग ने भरोसा किया तो मुझे भी भरोसा एक बार कायम रखना है ना, जो सिखा रहा हूँ सही है गलत है आंसर राइट है, बच्चा समझ जाओ कितना तरीके से कितने ईजी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज़ इस कंसेप्ट को एक बार वापस नहीं समझे, एक बार वापस जाओ, ए बार तो मिल गया, दो जन परपेंडिकुलर थे, दोनों का क्या किया अपन ने, B1 और B2 बोला, B1 और B2, ए इस लाइन पर लाखों पॉइंट होने थे, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर एक वेक्टर बरोबर है, एक वेक्टर दोनों का क्या किया क्रॉस किया, ठीक है बच्चा ये चीज़ क्लियर हो गया, प्लीज़ कॉपी करो, इसके जैसे मैं एक और सम कराता हूँ ताकि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो सके, कॉपी करो, वीडियो पॉज करके समझ के कॉपी करो।
सो गाइस यहाँ पर 10 दोलर सम पहले करते हैं क्योंकि ये सेम है जैसा अभी हमने सॉल्व किया था। लेकिन एक चीज़ तो तुम लोग को फील आ जाना चाहिए, एक बार रीड करो नोट। परपेंडिकुलर दिखा तो बी बार के लिए क्रॉस करना पड़ेगा। बी बार क्या होता मालूम है ना, बी वन क्रॉस बी टू। कैसे मालूम पड़ा तुम लोग को? मालूम होना चाहिए। अभी नहीं याद है सर, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ना मेरे दिल में कहीं ना कहीं छोटा सा डाउट है। तू मेरे पे भरोसा रख, मैं तेरा डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अलाइन पासेस, एक मिनट, लाइन पासेस इज परपेंडिकुलर कहाँ पर? फाइंड इट्स इक्वेशन, इट्स इक्वेशन। सर दो टाइप के इक्वेशन होते, वेक्टर और कार्टेशियन। क्वेश्चन में ना आर बार दिख रहा है तो वेक्टर, इसलिए मैं वेक्टर इक्वेशन, और सामने वाले का डिमांड भी है कि वेक्टर इक्वेशन में ही करो। लिखा नहीं है लेकिन तुम लोग को समझना पड़ेगा कि आर बार दिया है, आर बार दिया है। सर ये तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मेरे पे भरोसा रखना, मेरी जान, मैं हूँ ना यहाँ पर। तो इतना तो समझ गया वेक्टर इक्वेशन, इसका मतलब ये क्या आएगा, वेक्टर। हाँ लिख देता हूँ वेक्टर, ताकि ना तू कल के दिन याद रख पाए कि क्वेश्चन में आर बार दिख रहा है इसलिए वेक्टर। कार्टेशियन रहता तो साफ साफ बोलता। अलाइन, एक मिनट, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट और प्यार। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है, तो ये दो डायलॉग याद रखना है। तो ये तो मेन वाला लाइन क्या है, मेन लाइन है अपना, मेन लाइन, ठीक है, मेन लाइन। एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, ये सब बैकग्राउंड स्टोरी है। अलाइन पासेस थ्रू, देखो ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है, 3 -1 2। ये मान लेते ये ए रहेगा, तो ए बार निकालना बड़ी चीज़ नहीं है। ए बार मतलब आई जे के चिपकाना, तुम लोग मालूम है, कोऑर्डिनेट दिया तो आई जे के चिपकाना रहता है। अच्छा दूसरा पॉइंट भी दिया रहेगा तो बी बार माइनस ए बार वाला पार्ट आ जाएगा, अगर दूसरा पॉइंट इसी पर है तो। एंड इज परपेंडिकुलर, अरे भाई ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर है ये देखते हैं, किससे परपेंडिकुलर है ये देखते हैं, प्लीज मेरी बात सुनो, किससे परपेंडिकुलर हो देखते हैं। एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये क्या है? अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे आपको मालूम पड़ेगा ये कुछ और नहीं, ये लाइन का इक्वेशन होता है, और पहला वाला पॉइंट होता है, दूसरा वाला उस, जैसे कि यहाँ पर आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ए बार क्या होता है, पॉइंट होता है, और ये बी बार लैम्डा के साथ जो होता है वो क्या होता है, इस पॉइंट, ये जो लाइन है उस पर ए बार है ना, इस लाइन से जो पैरेलल है उसी को बी बार बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर, बरोबर है ना ये चीज? तो यहाँ पर क्या होता रहेगा मैं बताता हूँ, थोड़ा समझ लो प्लीज, नहीं तो फिर है ना रट्टा मारने के अलावा कुछ नहीं रहेगा आप लोग के पास। लाइन पास हो रहा है, चलो इसका तो मैं ये समझ गया कि इसको ए बार करके क्या लिख दूंगा, 3i cap - j cap + 2k cap। एग्जाम में आशीष सर तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, प्लीज़ पूरा पेपर कुछ भी घुमा के आने दे, तुम लोग सीखे हो फ्रेंड्स एकेडमी से, तुम लोग जगह पे फॉर्मूला बनाओगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओके, एंड परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर किससे, दो लाइन से परपेंडिकुलर। चलो मान लेते पहला लाइन क्या है, पहला लाइन यहाँ पर, पहला लाइन समझो ये दिख रहा है, पहला लाइन है, ठीक है, ये पहला लाइन है, हाँ ये पहला लाइन है। अच्छा इस लाइन का वेक्टर नहीं दिया, इस लाइन का इक्वेशन दिया। सर आपको कैसे मालूम है वेक्टर दिया, पिछले में सिर्फ एक ही चीज़ दिया था वेक्टर के फॉर्म में, दूसरा वाला भी लाइन वेक्टर के फॉर्म में, तो उसको B1 और B2 डायरेक्टली बोला, इधर B1 और B2 देखते कुछ झोल झपटा है। इस लाइन का इक्वेशन दिया, लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो, R बार इज इक्वल टू बोलो आई कैप प्लस बोलना बोल जे कैप माइनस के कैप, बरोबर है, प्लस लैम्डा, लैम्डा बोलो 2i cap - 2j + k, ऐसा कुछ तो लिखा है, प्लीज़ मेरी बात समझो। और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपना मेन वाला लाइन इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है चलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अच्छा एक और लाइन से ही है, एक और लाइन है मान लेते ये भी ऐसा, कुछ भी बनाओ बच्चा। अच्छा ये बोलो दूसरा वाला वैक्टर का इक्वेशन दिया, बोलो क्या दिया R बार इज इक्वल टू 2i cap + j - 3k। अच्छा इधर म्यू क्यों दिया ये चीज़ समझो, एक बार लैम्डा दिया है तो दूसरे टाइम में वो म्यू देगा, ये ठीक याद रखना, म्यू हाँ आई कैप माइनस 2j + 2k cap। अच्छा कहीं ना ये प्लीज़ ये तुम लोग को समझाने के लिए बना रहा हूँ, मतलब मेरा मेन वाला दो जन से परपेंडिकुलर है। सर क्रॉस करना पड़ेगा, हाँ सर किसका, ये दोनों इक्वेशन का क्रॉस प्रोडक्ट करेगा ना, घर पे आके चमाट मारूंगा। R1 क्रॉस R2 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, किसका वेक्टर का ही क्रॉस होता है। तो इक्वेशन का क्रॉस किसने सिखाया, तो सर कैसे मिलेगा, रुक मेरी बात सुन, तू ग्रीन वाला लाइन देख, ग्रीन वाला लाइन, ये ग्रीन वाले में दो चीज़ दिख रहा है, दो वेक्टर दिखता है, ये तो पॉइंट होगा, अरे यार ये बच्चे ये तो पॉइंट होगा, दूसरा वाला क्या रहेगा, दूसरा वाला लैम्डा की बात वाला क्या है, इस लाइन से पैरेलल, अरे ये वाला, ये देखो दूसरा वाला, हाँ जो पैरेलल है, समझ पा रहे हो ये चीज़, 2i cap - 2j cap + k cap, अरे समझा ये नहीं समझा, ये तो पॉइंट है, और ये जो रहता है ये ग्रीन वाले से जो लाइन पैरेलल है, देखो दूसरा ग्रीन बना दिया मैंने, दूसरा ग्रीन,
अरे हाँ है ना बच्चा। अच्छा पैरेलल है, मतलब पैरेलल का मतलब समझता है, अगर ये और ये लाइन पैरेलल है इसका मतलब इधर का एंगल सेम है, मतलब ये भी क्या रहेगा परपेंडिकुलर ही रहेगा। इतना चीज याद रखना आप लोग को, सेम एंगल रहता है तभी पैरेलल बोलते हैं। वैसे ही मेरा बोलने का मतलब समझो, ये जो दिख रहा है ब्लू वाला लाइन पे, ये जो पहला वाला है ये तो उस लाइन पर पॉइंट होगा, ये जो दिख रहा है म्यू के बाद उस लाइन से दूसरा वाला लाइन पैरेलल होएगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। अरे बोलो आया ना, तो क्या लिखेंगे आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप। देख प्रीवियस में ये चीज नहीं दिया था, डायरेक्टली ये दिया था, मेरी बात समझ पा रहे हो? प्रीवियस वाला अरे समझो हाँ या ना बच्चा, ये समझ रहे? ये इक्वेशन दिया है, इक्वेशन में दो चीज छुपा होता है, इक्वेशन दिया है दो चीज छुपा होता है, बोलना क्या क्या। एक पॉइंट, पॉइंट से क्या लेना देना है, मुझे वेक्टर से लेना देना है। तो ये दूसरा वाला क्या रहता है, इससे पैरेलल, ग्रीन वाले से देखो दूसरा वाला, और ये ब्लू वाले से देखो दूसरा वाला ब्लू वाला। अरे हाँ ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसका करेंगे, बोलना। ये दोनों का अगर मैंने क्रॉस कर दिया, तो तुम मुझे क्या मिलेगा, बी बार। अरे समझा, मतलब बी बार इज नथिंग बट बी वन क्रॉस बी टू, मतलब देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल दो आर बार इज इक्वल टू, बोलना बच्चा क्या बोलेंगे, ध्यान से देख, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। तो एक काम करो इसको वन वन दे दो, पहला वाला इसलिए। अरे समझा, बी वन बार मतलब समझा ये ग्रीन वाले से, दूसरा वाले को बोल दो ना आर बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बार प्लस म्यू बी बार। तो यहाँ पर टू लिख दो, समझ पा रहे हो बच्चा? तो ये वाला बी टू है। अरे हाँ या ना बच्चा, मेरी जान मेरी बात तो समझ पा रहे हो या नहीं? ये सेम है। देखो यहाँ पर नो परपेंडिकुलर दिखा, क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस मतलब दो वेक्टर का होता है। ये वेक्टर नहीं दिया था, इक्वेशन दिया था, इक्वेशन से क्या किया, दो वेक्टर निकाला। कैसे मालूम पड़ता है, वो पॉइंट को हटा, दूसरा वो वेक्टर होता है, वो वेक्टर कौन सा होता है, उससे पैरेलल वेक्टर मिल गया। फिर से यहाँ पर ब्लू वाले से भी सेम है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन को समझो। तो मैं फॉर्मूला जो बनाऊंगा यहाँ पर समझो, यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। पहले तो इसका बंदोबस्त कर दो ना, लेट क्या लिखोगे, ए बार विदा वॉट ऐसा लिख देते, लेट ए बार विदा वॉट पोजिशन नाम के लिए, पोजिशन वेक्टर नाम के लिए, हाँ बच्चा पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पॉइंट क्या लिखोगे ए, 3 - 1 - 2 देयर फोर वॉट क्या लिख दोगे, ए बार, ये हमने क्रिएट किया 3i - j + 2k, मतलब ए बार तो हम लोग को रेडीमेड मिल जाता है सब में, चाहे वैक्टर हो या कार्टेशियन, हर बात दिया रहता है। तो मेरी बात समझो, समझने की कोशिश करो बच्चा। तो अब लिखते द वैक्टर इक्वेशन, देखते अब कितने लोग समझ पाते। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, अपने मन से लिखेगा फेल हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन से उठाऊंगा। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए बार एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट, प्रीवियस में कैसा मैंने बी वन बी टू लिख दिया था, अब मैं यहां पर चेंज करूंगा, डायलॉग चेंज करूंगा। देखो परपेंडिकुलर टू व्हाट, आर बार इज इक्वल टू, दो इक्वेशन से दिया है, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार एंड आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस म्यू दिया है, म्यू बी बार। तो ये पहला है 1 1, ये 2 2, अरे हाय ना, ये चीज समझ पा रहे हो ये चीज? अरे यस और नो, इज गिवन बाय फॉर्मूला तो सिंपल है, इज गिवन बाय फॉर्मूला सेम है बच्चा, खत्म करो। इज गिवन बाय व्हाट, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी वन बार क्रॉस बी टू बार। अरे समझा ये नहीं समझा, देखो सामने वाले को निबंध लिखने से अच्छा तू ये पूरा सिस्टमेटिक लिख देना। अरे समझ पा रहे हो, अरे समझा या नहीं समझा बच्चा? जब दो वेक्टर से बी वन और बी टू से परपेंडिकुलर है तो क्या लिखोगे, बी वन और बी टू, तो बी वन क्रॉस बी टू आएगा। अब ये दो इक्वेशन दिया है तो बी वन और बी टू अभी भी लिख रहा हूं मैं, प्रीवियस वाले सेम लिंक किया, तो अभी तुम लोग का काम क्या है? अरे सिंपल है यार, काम बताओ ना, देयरफॉर व्हाट, हियर लेट लिखते हैं, लेट ए बार तो लिखा ही है, वापस लिखते, चल कुछ नहीं जाएगा, कुछ उखाड़ेगा नहीं तो, चल माइनस ए प्लस टू के कैप। अब बोल बी वन कैप पहला वाला क्या है, ये देखो बी वन कैप यही है, 2i - 2j। बच्चा देख पूरा ऑफलाइन लेक्चर में छोड़ के तेरे लिए ये सब कर रहा हूँ, मुझे मालूम है एग्जाम का टाइम आ गया, मैं अपने तरफ से सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टीचर ले ले, ये सब जल्दी नहीं बताएंगे यार, समझ लो ना यार, बहुत मेहनत करके बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो? एक रुपया तुम लोग से मांग रहा हूँ क्या? नहीं ना, तो फायदा उठाओ बच्चा। बी टू बोलो, बी टू क्या आएगा दूसरे वाले का, देखो ये तो इक्वेशन पॉइंट है वो वाला, आई कैप -2j + 2k। तो एवरीवन आप लोग का काम चालू होता है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, बोलो ये समझ गया, सबसे पहले क्या करोगे, अभी तो किया था, अभी जो सिखाया था b1 - b2 लेकर आओगे, कैसे करोगे, i j k। सर ये आगे वाला पार्ट, अरे भाड़ में जाने थे सर ये आगे, अरे भाड़ में जाने थे, क्या लेना देना तेरे को उससे, चलो अच्छा b1 का क्या आएगा, i j k वाला बंदा 2 - 2 1, b2 का 1 - 2 2, अगर तुम लोग डायरेक्टली लिख पाओ तो बता दो, नहीं लिख पाओगे, देखो सम ए सम यहाँ से चल हो रहा, सम यहाँ से चल हो रहा, ये नहीं है, ये सम नहीं है, ये तो रफ वर्क है। हाँ बच्चा स्क्रीनशॉट लोगे तो समझने के लिए सही है, बोलो ना बोलो, ये इजी है सर,
आता ही है, हाँ आता है ना, आई क्या, चल देखते हैं डायरेक्टली बताने की कोशिश करो, पकड़ के छोड़ दो, -2 × -2 −4 −6 −2 × 1 −2, मतलब ये +2, प्लीज़ आप लोग ना सिस्टमेटिक सॉल्व करो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जगह कम है यहाँ पर, ये बीच वाले का साइन चेंज करने का, 2 × 2 = 4 −1 +k, आगे बोल बच्चा, यहाँ पर 2 × −2 −4 −6 होता है, 1 × −2 −2 will be what + 2, आंसर बोलो ये कितना का, −2 −2 i कैप, ये प्लीज़ ये सिखा रहा नहीं मैं, पटपट लिखने के पीछे लगाऊंगा, ये क्या कहते हैं, देखो 4 में से 1 गया 3 बचेगा 3 × −3 j कैप, प्लीज़ आप लोग खुद से करवा, −2 k कैप, ये क्या मिला मुझे, b1 × b2, देयरफॉर रिक्वायर इक्वेशन, एक बार देखते हैं रिक्वायर इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलो r⃗ = a⃗ + λ b1 × b2, लिख दो डायरेक्टली r⃗ = what, बोलो a⃗ क्या 3i कैप − j कैप + 2k कैप, तो आप लोग को एक चीज़ तो समझ गया, अगर परपेंडिकुलर दिखा तो क्रॉस कर रहा है, बस बी वन और बी टू का जुगाड़ करो ये भी सही है, आपने सिखाया 4 इक्वेशन दे रहे हो 5-6 इक्वेशन, नहीं मैंने बोला फॉर्मूला क्रिएट करो, वो भी तो मेरे को याद नहीं था, वो भी तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बी वन और बी टू का क्रॉस करके क्या है, −2i कैप − 3j कैप − 2k कैप, यही आंसर है, अगर चाहिए तो आप लोग माइनस को कॉमन लेके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर छोड़ोगे इनफ है, तुम लोग यहाँ पर, अच्छा पीछे एक बार मैं आंसर दिखा देता हूँ, चलेगा यही है बच्चा, −2 −3 −2, ओके डन, एक बार वापस अपने दिमाग में ये रख लो ना, सर 3 मार्क्स का समय, सर इतने में मिलेगा मार्क्स, हाँ मिलेगा बच्चा, क्योंकि तू है ना सिस्टमेटिक लिख चुका है, ये छोड़ ये देख ये स्टेटमेंट है ना बहुत काम की चीज़ है, ये अगर लिख दिया सामने वाला समझ जाएगा कि इसको निबंध लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने बरोबर सिस्टमेटिक लिखा है, 2 इक्वेशन इज गिवन बाय, अरे समझ पा रहे, ठीक है चलो कॉपी कर लो इसको। सो गाइस इस वीडियो का लास्ट सम वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन टोटली खत्म हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन वाला नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार सोचो क्या दिया है क्या नहीं। देख बच्चा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बोला इसका मतलब तुम लोगों को दो ही चीज़ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, पॉइंट और प्यार, बस जुगाड़ करो, वीडियो पॉज करके सोचो, वीडियो पॉज कर दो, चलो ठीक है, होपिंग कि आपने वीडियो पॉज किया और कुछ सोचने की कोशिश जरूर किया रहेगा बच्चा। क्या लिखा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, अरे डन बच्चा, ये मेन लाइन है, आप लोग नोटिस कर रहे हो, मैं पूरा विजुअलाइज करके बताने की कोशिश करो, कोई फॉर्मूला रट के नहीं आया, मैं रट के नहीं आया, ये पॉइंट है, ये ए है, इसका ए बार दिया है, एंड पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, किससे, क्या है पैरेलल है, मतलब ये, अरे बच्चा परपेंडिकुलर होता तो क्रॉस के बारे में सोचता, पैरेलल है, और पैरेलल का वेक्टर नहीं दिया है, पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया है, r⃗ = i कैप + 2j कैप + 3k कैप, बराबर है, और प्लस लैम्बडा क्या आएगा, 3i कैप + 2j कैप + k कैप, देख बच्चा मैं हमेशा ना क्वेश्चन जो लिखता हूँ ना इधर से चिपका के देखता हूँ, मुझे ये बताओ क्या चाहिए इसके लिए, क्या चाहिए, पॉइंट और प्यार, पॉइंट तो मिल गया, प्यार कैसे मिलेगा, सर कुछ दिया ही है, क्रॉस तो कर नहीं सकते, अच्छा जरा इसके बारे में बात कर, बच्चा दिमाग लगा, इसके बारे में बात करना, ये लाइन का इक्वेशन दिया है, मतलब ये क्या है, पॉइंट है, इस लाइन से कोई पैरेलल, अरे आया ना, इस लाइन से कोई पैरेलल या डायरेक्शन रेशियो कुछ भी हो सकता है, बस हम लोग बोलेंगे पैरेलल है, तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं, जैसे अभी किया था ना नीले वाले के साथ नीला वाला पैरेलल, ग्रीन वाले के साथ ग्रीन, तो ये जो दिख रहा है लैम्बडा के साथ जो है, ये क्या है इस लाइन से पैरेलल है, 3i + 2j + k कैप, अरे बराबर है कि नहीं, एक बात बता, जब क्वेश्चन में बोला ये इससे पैरेलल है और इक्वेशन खुद बोला कि ये वाला इससे पैरेलल है, तो क्या ये दोनों भी पैरेलल हुआ या नहीं हुआ, बोल, ये इससे पैरेलल है, इक्वेशन से मालूम पड़ता है ये दोनों पैरेलल है, तो सोच के बोलना ये दोनों भी क्या हुआ पैरेलल, अरे हाँ है ना, अरे ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी होता है, AB = BC लिखा है तो AC अपने आप सेम होता है, ये 2 रुपया है ये भी 2 रुपया, तो ये दोनों का भी क्या आएगा 2 रुपया, इसका मतलब सेम है, सॉर्टेड है, ये कुछ और नहीं, ये B⃗ मिल गया, खत्म, बताओ इसका मिल गया डायरेक्शन रेशियो, इसका बोले एक ही होता है पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है, अगर इसका मैं बात करूंगा प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, सेम भी बोल सकते हो, ये समझाइए कैसे आया, अरे अभी ग्रीन वाले का ग्रीन, अरे आया ना परपेंडिकुलर था, लेकिन ये तो पैरेलल है, तुझे यही तो चाहिए था प्यार, पैरेलल या डायरेक्शन रेशियो, चलो यहाँ पर बोलो, देखो मैं कैसे लिखने का ट्राई करता हूँ, ध्यान से देखो,
ये तुम्हारा बैकग्राउंड स्टोरी है, ये तुम्हारा बैकग्राउंड स्टोरी है, तो ए बार के साथ ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है, क्वेश्चन में लिखा है पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये भी, ये किसने बोला? इक्वेशन ने बोला, इक्वेशन ने बोला, इक्वेशन ने बोला, तो ये दोनों किस पैरेलल है? ये मैंने बोला, मैंने अरे समझ पा रहा है, ये मैंने बोला, तुम लोग है ना प्लीज विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ये पहला देखो, ये ऐसा रीड करो, आ ए वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ताकि तुम लोग को अभी दिखे, देखो ये देखो ए लिखा है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, क्वेश्चन से मालूम पड़ा, क्वेश्चन में बी वाला पार्ट, दोनों बी वाला पैरेलल, इक्वेशन ने बोला, क्या लिखा है यहाँ पर? इक्वेशन ने बोला, ये तीसरा मैंने, अरे सोचना ये दोनों है, ये दोनों है, तो ये दोनों भी हुआ, अरे हाय ना, चलो फिर बोलो, अभी देखो यहाँ से लिखो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, अपने मन से मत लिखना फेल हो जाएगा, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, पासिंग थ्रू व्हाट? पासिंग थ्रू, तुम लोग नोटिस करना मैं कैसे लिखता हूँ, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पूरा लिखता नहीं मैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, ए बार एंड पैरेलल टू द, एंड पैरेलल, देखो याद रखिए पूरे का जुगाड़ कर लिया, एंड पैरेलल टू द व्हाट? पैरेलल टू द, इधर ऐसा लिखा ना, लिखता हूँ आर बार इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार, अच्छा इधर है ना, एक काम कर दो ए वन दे दो, इसको बी वन देना तो बी वन दे दो, लेकिन लेट इट बी, बी वन बी टू तब आता है, बी वन तब देंगे ना अगर बी टू रहेगा तो, अगर बी टू नहीं है तो बी वन क्यों दे रहे? बी वन वन टू थ्री कब देते? जब दो बहुत सारे बी दिखेंगे, यहाँ पर एक ही भी दिख रहा है तो इसको वन देने की जरूरत नहीं है, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, अरे सेम आएगा पहला फॉर्मूला आज, इज गिवन बाय, बोलो आर बार इज इक्वल टू क्या आएगा? ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार, लेट ए बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे? अरे सर इससे इजी कुछ नहीं था सर, पैरेलल वाला आज मजा आ जाएगा, बी बार बी बार बी बार बी बार, ये है ये नहीं, ये भाड़ में जैसा ले तू, उधर आ, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, देर वो रिक्वायर इक्वेशन, रिक्वायर इक्वेशन, देखो नोटिस करो, इज इज इसको लैम्ब्डा इज स्केलर, आर बार इज इक्वल टू ए बार माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, अब समझने वाले समझ गए, नहीं समझा तो मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, बिंदास कॉल करने का, मैसेज करने, मैसेज करने का, कॉल नहीं करने का, साले लड़की है क्या कॉल मैसेज करेगा तुम साले, यहाँ पर ये हो गया, सब देखो यहाँ से चलो यहाँ पर खत्म, बैकग्राउंड स्टोरी समझना चाहिए, बैकग्राउंड स्टोरी समझना चाहिए, मैंने कोई भी फॉर्मूला रटने नहीं बोला, अगर तू रटेगा तो फंसेगा, रटेगा तो फंसेगा, मैंने बोला रटेगा तो फंसेगा, स्क्रीनशॉट ले ले और पहली फुर्सत में दफा हो जाना, वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके अरे मेहनत लगता है रे बच्चा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ तुम लोग के साथ, लेकिन प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट भी करना, क्योंकि इसके बाद मेरे को कार्टेशियन वाला बनाने का बहुत मजा आएगा, फटाफट इसको एडिट करके अपलोड करना है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।